हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। रहमान साहब, आप मुमरा में आए हुए हैं, खास तौर पर ऐसी जानकारी मिली है कि जो TMC का हॉस्पिटल है खौसा का, ये प्राइवेट किया जा रहा है, इसके संदर्भ में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। क्या जानकारी आपके पास है इस हॉस्पिटल को लेकर, और इसके प्राइवेट ना हो इसके लिए आप किस तरह का काम करेंगे? मैं अब्दुल रहमान, CH, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र स्टेट एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का एक हिस्ट्री रहा है कि मुस्लिम लीग हमेशा ज़मीनी तौर पर लोगों से जुड़े हुए मसलों के ऊपर काम करती है, और एक बेधड़क जो है सियासी तंजीम है। मुमरा में अमीन शेख साहब और फरद शेख के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये लोगों ने टॉरेंट का इशू उठाया, टॉरेंट केस के लिए मुसलसल जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, और टॉरेंट जो यहाँ के पब्लिक की सुविधा के नाम से लाया गया, वो टॉरेंट लोगों को टॉर्चर बन चुका है, ये मैं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का फर्क है प्राइसेस को लेकर। खास करके जो मुमरा में जो पब्लिक रहती है, जो आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन के बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में जो सरकार ने जो सरकारी हॉस्पिटल खोलने के हिसाब से जो खर्चा किया है, और वो कंप्लीशन होते होते अभी जो है उसको प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि यहाँ के लोगों को सरकार ने एक एसेंशियल बेनिफिट के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से भी ये चीज़ें के लोगों को ये सुविधा सरकार की तरफ से देना चाहिए, और इतने इंतज़ार करने के बाद में जब एक काम मुकम्मल होने जा रहा है उसको प्राइवेटाइज कर देंगे और लोगों को सरकारी जो है एक फैसिलिटी से महरूम करेंगे, वो बिल्कुल गलत बात है। इसलिए जो है हमारे यहाँ की जो टीम है कंटिन्यूसली जो है लोगों की मुद्दे से जुड़कर काम करता रहा है, और अभी सुना है कि 15 तारीख को टेंडर निकाला हुआ है, 15 तारीख को जो क्रॉसिंग डेट है, उसके बावजूद ये लोगों ने यहाँ से अपनी नाराज़गी पब्लिक ने बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग जो है परस से रास्ते पर है, और अगर ये निजीकरण को लेकर अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एहतजाज करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो इंडिफरेंस खास भी करेंगे, और कानूनी तौर पर हम जो है कानूनी तौर पर भी देखेंगे। यहाँ का CM होम मिनिस्टर हेल्प के सबसे जो है मुलाकात भी करेंगे इस सिलसिले में, यहाँ के पब्लिक के नाराज़गी बताएंगे। हम कोशिश करेंगे यहाँ के औरतें, क्योंकि ये सबसे अभी मैंने सुना है कि वहाँ पर मैटरनिटी का वहाँ पर फैसिलिटी चालू है, और यह फैसिलिटी बंद होता है और इसमें प्राइवेटाइजेशन होता है, वो सबसे बड़ा तकलीफ जो है औरतों को होने वाली है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ के मुमरा कौसा के औरतों से भी गुजारिश करूँगा, आप लोग फरज शेख के हक को मजबूत कीजिए, उनको साथ दीजिए, ये एहतजाज के मुहिम में जो है आप लोग पूरा रास्ते पर आइए, और जो है सरकार को मजबूर करना, डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को मजबूर करना हमारे राइट्स में है, वो राइट्स का पूरा हम लोग जो फ़ायदा उठाए और उनको साथ। आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का आंदोलन रहेगा? खासतौर पर आप बता रहे हैं कि 15 तारीख को टेंडर निकलेगा, तो अगर होता है प्राइवेट तो किस तरह का आपका आंदोलन जारी? देखिए कैसा है हॉस्पिटल, जिस तरीके से आप लोग सब पूरे मुमरावासी जो है वो टोरेंट के मसले से किस तरीके से परेशान है, और हर घर उससे मुसल्लत है, हर घर में परेशानी है। और आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल भी अपने घर का मुद्दा है, अपने घर का मसला है, अगर वो हॉस्पिटल प्राइवेट हो जाता है तो किसी का उसमें फ़ायदा नहीं है सिवाय नेताओं के, जिस तरीके से आज टोरेंट के मामले में सिर्फ और सिर्फ नेताओं का फ़ायदा हो रहा है, और आम पब्लिक का जो है वो किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो है इसका टेंडर पास होने, मतलब टेंडर निकल चुका है, 15 तारीख की इसकी आखिरी डेट है, और अगर ये टेंडर निकल अगर आगे जब निकलने वाला अगर ये पास होने को है या आगे जब इसकी रीओपनिंग होगी, तो हम लोगों ने प्लान किया है अभी कि हम लोग इससे इसके बाद जो है वो हेल्थ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे इस बार रिगार्डिंग में,
लेटर हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, हमारी बात चल रही है, हमारे स्टेट कमेटी के मेंबर्स जो है उनके साथ हम बैठकर इसके रिगार्डिंग बात करेंगे और हम उनके सामने ये प्रस्ताव वापस रखना चाहते हैं। हमने लेटर द्वारा ये बात बता चुकी है कि अगर पीएनसी इस चीज़ से सक्षम नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदारी संभाले। ये जो है अब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के तरीके से जो हॉस्पिटल चले, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि सिविल हॉस्पिटल शिवाजी हॉस्पिटल जो कलवा में मौजूद है वो 500 बेड जो है वो 500 बेड जो है वो सरकारी है पूरा, तो जो 100 बेड जो आप मुमरा में प्रोवाइड करने वाले हो 100 बेड आप जो है वो शिवाजी में देकर वो 100 बेड की सुविधा यहाँ पर दो। ये क्योंकि जिस तरीके से आपका इसके अंदर आपका कोई जो है अलग से पैसा नहीं लगने वाला है, जो आप जो है हर साल जो पैसे निकालते हो वही लगने वाला है, क्योंकि हम जो है वो 60 करोड़ के टैक्स पेयर है, दीवा से मुमरा से 60 करोड़ रुपीस एवरी ईयर निकलता है और मेंटेनेंस के लिए आप जो है दूसरे शिवाजी हॉस्पिटल को 6 करोड़ के आसपास अगर देते हो तो मुमरा का हॉस्पिटल तो अभी अभी बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ 4 करोड़, तो 60 करोड़ अगर हम मुमरा वासी देते हैं टैक्स के लिए तो क्या हम 3 करोड़ के हकदार नहीं है हमारे हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के लिए? तो हम चाहते हैं, हमने ये दोनों रास्ते रखे और इसके बावजूद भी अगर ये ऑप्शन पे वो लोग नहीं मानते तो हम लोग बेमुद्दत जो है भूख हड़ताल करने वाले हैं। ये हमारा फिक्स है कि हम भूख हड़ताल करेंगे इंशाल्लाह।